वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ये नोहरा शेख का, अगर हम लोग विकिपीडिया का ये वेबसाइट चेक करते हैं जिसमें इन्होंने ये कहा है कि इनको डॉक्टरेट ऑफ फ़िलासफ़ी का सर्टिफिकेशन मिला है। ये देखिए, डॉक्टरेट ऑफ फ़िलासफ़ी फ्रॉम ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलंबो श्रीलंका, बिजनेस मैनेजमेंट में मिला है। तो ये सर्टिफिकेट के ऊपर अगर हम लोग थोड़ा रिसर्च करें, और यहाँ पे ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलंबो टाइप करें तो दो वेबसाइट्स आते हैं। एक ये फर्स्ट वाले को चेक करेंगे तो ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और सही तरीके का वेबसाइट लगता है, और इनमें हम फाइंड इन पेज करते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन का एक करते हैं, COMPLEMEN। तो यहाँ पे देखेंगे जो फर्स्ट वाला आता है ये एक डिग्री के बारे में, बात डिग्री इन कॉम्प्लीमेंट्री और ऑल्टरनेटिव, और सेकेंड अगर सर्च करेंगे तो ये ऐसा कहते हैं कि दे आर एफिलिएटेड बाय द ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉर कॉम्प्लीमेंट, OIUCM से एफिलिएटेड है। कौन? इनकॉर्पोरेटेड अंडर मेडिसिना अल्टरनेटिवा अल्मा। ओके, और अल्मा जो है वो एफिलिएटेड बाय ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन। ओके, ये फर्स्ट वेबसाइट हमने चेक कर लिया, और हम बैक जाते हैं अभी। ओके, सेकेंड वेबसाइट चेक करते हैं जो OIUCMED का है। इन्होंने भी ये बोला है कि मेडिसिना अल्टरनेटिवा से ये एफिलिएटेड है। ओके, मेडिसिना अल्टरनेटिवा का ये दिया है, और यहाँ पे नीचे देखिए हिज एक्सीलेंसी द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका का ये नोट दिया है, ये भी दिया है, और फॉर्मर प्रेसिडेंट ने भी कुछ कहा इनके बारे में, ऐसा ये वेबसाइट बताते हैं। इनके कॉन्टैक्टस में जाते हैं। ओके, कॉन्टैक्टस कॉन्टैक्ट पेज में जाते हैं तो इनका गूगल मैप नहीं चलता, और इनके जो एड्रेसेस हैं यहाँ पे देखिए, एक ही नंबर दिया है, दो ईमेल दिया है, एक वेबसाइट का, एक बाहर का, और ये दिया है। और उसके बाद दोनों वेबसाइट हमने चेक कर लिया, जो फर्स्ट वाला वेबसाइट बहुत अच्छा था, बहुत ही प्रोफेशनल लग रहा था, सेकेंड वेबसाइट बिल्कुल बकवास लग रहा था। और अब हम चेक करेंगे मेडिसिना अल्टरनेटिवा। ओके, मेडिसिना अल्टरनेटिवा जो बहुत बड़ी बॉडी है मेरे ख्याल से इनका, ये यूरोप में ऐसा बता रहा है, तो इनका वेबसाइट चेक करेंगे। इनका वेबसाइट में एक श्रीलंकन प्रोफेसर है मेरे ख्याल से, जय सूर्या, ये इनका नाम आया हुआ है इस तरीके से। और लेट प्रोफेसर एंटोन जय सूर्या वॉज अवार्डेड विद यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम अवार्ड। ओके, ये सब है मेडिसिना अल्टरनेटिवा का। इनके इसमें हम चेक करेंगे ओपन यूनिवर्सिटी। ओके, ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। ओके, ये मेडिसिना अल्टरनेटिवा भी दी ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन से एफिलिएटेड बता रहा है। ओके, तीन वेबसाइट्स चेक कर लिए हमने, एक तो मेडिसिना अल्टरनेटिवा जो था ये, और ऊपर से ये दोनों, ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉर अल्टरनेटिव मेडिसिन और ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन। नोहरा शेख के वेबसाइट में जो इसके क्या बोलते हैं विकिपीडिया में ये मेंशन नहीं है कि क्या वो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन वाले यूनिवर्सिटी से किया या रेगुलर जो अल्टरनेटिव वाले इसमें से किया, कहाँ से किया ये मेंशन नहीं है। सिर्फ ये मेंशन है कि उनको डॉक्टरेट हासिल है फिलॉसफी, बिजनेस मैनेजमेंट के फिलॉसफी का, ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलंबो। तो बहुत ही एकदम ट्रिकी सिचुएशन है कि इन्होंने सर्टिफिकेट तो हासिल किया ऐसा इसमें लिखा हुआ है, लेकिन ये कौन से दो यूनिवर्सिटी से किया वो नहीं लिखा हुआ है। अब हम ये चेक करेंगे, फेक सर्टिफिकेट्स ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलंबो। ओके, तो आपको सबसे पहला ये मिलेगा, देखिए फर्स्ट ये लिखा है द प्रेस रीडर में, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस 2014, मेडिसिना अल्टरनेटिवा प्लान्स लीगल एक्शन। जो मेडिसिना अल्टरनेटिवा है, जो इनकी बॉडी है बहुत बड़ी डॉक्टर की, वो लीगल एक्शन प्लान कर रही है OIUCM के अगेंस्ट। ये देखिए कहाँ गया, हाँ ये ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के ख़िलाफ़ लीगल एक्शंस।
प्लान कर रही है। तो ऑब्वियसली अगर वो नोहरा शेख का ये डॉक्टरेट का जो डिग्री है फॉल्स है, तो वो इसमें से नहीं होना चाहिए। ओके, OIUCM से नहीं होना चाहिए जो श्रीलंका में है, लेकिन इन्होंने ये कहा कि उन्होंने श्रीलंका से किया है, तो फिर वो हिसाब से तो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उनके सर्टिफिकेट के लिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए, श्रीलंकन डॉक्टरेट्स फॉर सेल इन बैंगलोर, बैंगलोर में बिक रहा है श्रीलंकन डॉक्टरेट्स 3-3 लाख रुपए में। ये देखिए, श्रीलंकन डॉक्टरेट सेल फॉर बैंगलोर, 2 men had walked into the office of वासुदेवा शर्मा। ये देखिए, इसमें ये सब लिखा हुआ है कि डॉक्टरेट की सर्टिफिकेट, वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिंस, OIUCM, ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ, ये जो कोलंबो की मेडिसिंस है, इनके खिलाफ तो कंप्लेंस है कि भाई ये झूठे डिग्रीज बेच रहे हैं। ये देखिए, और होम्योपैथी, एक्यूपंक्चर, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स हमारे देश में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं ये झूठे सर्टिफिकेट्स से। ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलंबो, ये देखिए, 11 courses देती है, 11 dubious institute, वन ऑफ विच इज़ लोकेटेड इन बैंगलोर एंड अनदर इन मुंबई, द रेस्ट इन तमिलनाडु। मतलब ये देखो, ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के जो ये है ना कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिंस वाले, जो कोलंबो में बोल रहे हैं, जो नोहेरा शेख ने भी यही बोला है कि श्रीलंका से सर्टिफिकेशन हासिल किया है, तो ये एक बहुत ही फेक टाइप का सर्टिफिकेशन है। 50,000 में भी सर्टिफिकेट मिल जाता है PhD का 1 महीने के अंदर। और हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके ये देखिए, ये देखिए, ये सर्टिफिकेट लेके हमारी जान से खेल रहे हैं। द श्रीलंकन हाई कमीशन इन दिल्ली इन्फॉर्म्ड एक्सप्रेस OIUCM वॉज नॉट रजिस्टर्ड, इन्फॉर्म्ड एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस या जो भी एक्सप्रेस है न्यूज़पेपर, ये लोग रजिस्टर्ड नहीं है विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ऑफ श्रीलंका। इवन डॉक्टर NJ नोनिन्स, रजिस्ट्रार ऑफ श्रीलंका मेडिकल काउंसिल, सेड OUICM एंड इट्स डिग्री वेर नॉट रिकग्नाइज्ड। ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की डिग्री रिकग्नाइज नहीं है। तो भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो नोहेरा शेख ने जो डिग्री हासिल की है वो कहाँ से हासिल की है। ये देखिए, लिस्ट ऑफ फेक यूनिवर्सिटीज़ में भी, ये लिस्ट में भी ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन कोलम्बो बताया गया, लेकिन मेडिसिना ऑल्टरनेटिवा भी इसको एफिलिएट बताती है। और जो दूसरा है, ये देखिए, दूसरा वेबसाइट है ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलंबो, जो तमिलनाडु में वेबसाइट है, ये वाली वेबसाइट जो बहुत ही ऑथेंटिक अभी लग रही है, ये भी इसको ये बताती है कि मेडिसिना ऑल्टरनेटिवा भी इसको रिकग्नाइज करती है। और यहाँ पे मेडिसिना, ओके, समझ रहे हो, ये सब बहुत बड़ा एक जाल है जिसमें से आप आराम से सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं। ये देखिए, इनकॉर्पोरेटेड अंडर दी अथॉरिटी ऑफ मेडिसिना अल्टरनेटिवा, ओके, एफिलिएटेड बाय दी ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो, में ये श्रीलंका के। मतलब यू हैव टू वेरीफाई वेदर दी डॉक्टरेट डिग्री है, जो डॉक्टरेट डिग्री है नोहेरा शेख की, ये कहाँ से आई है। अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे इमेजेस में, गूगल में, तो आपको कोई किस्म का किधर भी नोहेरा शेख का कोई सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिलेगा नहीं। और आप इनसे मांगोगे तो शायद आपको ये दे देंगी कोई सर्टिफिकेट जो इनको किधर से मिला। तो मेरी ये जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ है उनसे ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ देखिए, ये ऐसे यूनिवर्सिटीज़ जो है, डाउटफुल यूनिवर्सिटीज़ है, इनमें से क्या डाउटफुल, कौन सा डाउटफुल है, ये आपको फाइंड आउट करना है इनको फ़ोन करके कि भाई ये जो 2013 में जो विकीपीडिया में लिखा हुआ है नोहेरा शेख को सर्टिफिकेट मिला है, तो ये कौन से यूनिवर्सिटी से मिला है, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से मिला है या कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन से मिला है, और क्या ये लोग सर्टिफिकेट बेच रहे या नहीं बेच रहे। क्योंकि न्यूज़ में तो ऐसा बहुत आ रहा है, और अगर ऐसा आ रहा है तो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स लोग हैं जो सर्टिफिकेट यहाँ से खरीद खरीद के हमारा इलाज भी कर रहे हैं। अल्लाह आलम कैसे इलाज कर रहे कुछ मालूम नहीं, वी आर एट रिस्क। ओके, सो आई रिक्वेस्ट ऑल दी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ के प्लीज़ इंस्टीट्यूट्स को फ़ोन करें और इनसे ये मांग करें कि ये सर्टिफिकेट्स जो है इनकी, जो नोहेरा शेख ने बोला है कि मेरी ये सर्टिफिकेशन है, इन्होंने कहाँ से किया है ये डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी, ये कौन सा ओपन यूनिवर्सिटी है जो श्रीलंका में है, और कौन सा बिजनेस बिजनेस कोर्स है जो ये लोग बेच रहे, और वाकई में क्या ये सर्टिफिकेट्स बेच रहे या ये लोग वाकई में कुछ कोर्स करवा रहे, ज़मीनी हकीकत क्या है, प्लीज़ इसकी जाँच करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।